कैसे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला की अपकमिंग एक नए स्मार्टफोन के बारे में, मोटोरोला मोटो E6s डिवाइस के बारे में। जी हाँ, मोटोरोला की जो मोटो E6s डिवाइस है, कम प्राइस रेंज के ऊपर बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ जो है मोटोरोला इस बार लॉन्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में इस डिवाइस के बारे में जो है मेन हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन जो आपको जानना जरूरी है एक मोबाइल खरीदने से पहले, तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं YouTube के ऊपर देखा इस डिवाइस के ऊपर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन वाली वीडियो जो है अभी है YouTube में, इसलिए मैंने सोचा एक सिंपल तरीके से बताया जाए आपको मोटो E6s डिवाइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए विजिट किया तो आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मोटोरोला की जो मोटो E6s डिवाइस है एक बजट रेंज डिवाइस में बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ जो है कंपनी ने ये सोचा है इस डिवाइस को लॉन्च करने की। एंड इसका कुछ मेन हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। इस डिवाइस में आपको 6.1 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन के साथ आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिवाइस में आपको फुल HD डिस्प्ले जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, ओनली HD+ रेजोल्यूशन के साथ आपको नॉच डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले है, स्क्रीन बॉडी एस्पेक्ट रेशियो बहुत अच्छा है, इसमें आपको बेजल्स जो है काफ़ी कम देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इसके रैम वेरियंट एंड रोम वेरियंट की, मतलब इंटरनल स्टोरेज क्या है एंड रैम क्या है, इसमें आपको दो अलग अलग वेरियंट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो है आपको ये डिवाइस आपको कंपनी की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। आप दोनों में से कोई सा भी वेरिएंट आप ले सकते हो, दोनों वेरिएंट जो है अलग अलग प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है 2 रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलेगा रियर में एंड 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा आपको रियर में देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो लॉन्च डेट है, लॉन्च डेट जो है मैं आपके वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। एंड इसका प्राइस क्या होने वाला है इसको भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको जो है ऑफलाइन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो डिवाइस है आपको वाया फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है ये सेल किया जा रहा है मोटोरोला कंपनी की तरफ से। तो ये जो डिवाइस है आपको अगर लेना है तो आपको फ्लिपकार्ट से ही लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्रेंड्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 9.0 पाई के साथ जो है आपको ये डिवाइस आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी प्रोसेसर क्या है, इसका जो प्रोसेसर है फ्रेंड्स मीडिया टेक का हीलियो P22 प्रोसेसर के साथ जो है आपको ये डिवाइस आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन बजट रेंज डिवाइस में जैसे परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस जो है ये प्रोसेसर आपको दे देगा। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। इस डिवाइस की बैटरी क्या होने वाला है, इस डिवाइस की जो बैटरी होने वाला है 3000 mAh की आपको बैटरी इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस डिवाइस में जो आपको 3000 mAh की जो है बैटरी आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो सेंसर है सभी तरह की बेसिक सेंसर इसमें है। एंड इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है फ्रंट की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। फेस अनलॉक का फीचर जो है आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो पैकेज है काफ़ी बढ़िया पैकेज है। ये डिवाइस कब तक लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस लॉन्च होने वाला है 16 सितंबर 2019। जी हाँ, 16 सितंबर 2019 को जो है ये डिवाइस आपको भाया फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये डिवाइस ले सकते हो। इसका प्राइस क्या होने वाला है, इसका प्राइस होने वाला है 10,000 से लेकर 15,000 रुपीज़ के अंदर जो है इसका प्राइस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है इसके प्राइस के बारे में कोई कन्फर्मेशन न्यूज निकल के नहीं आया है। जैसे ही कन्फर्मेशन न्यूज निकल के आ जाएगा मैं आपके वीडियो के थ्रू ज़रूर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में, इस डिवाइस के बारे में अगर और कुछ जानकारी लेना है आपको तो फ्रेंड्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट के आंसर जरूर देने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सबको पता चले मोटोरोला की इस अपकमिंग डिवाइस के बारे में। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, आपकी एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है एक नए वीडियो, एक फ्रेश वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए,
नीचे वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली सुबह टेक रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।